बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जुडिशियल कमीशन के लिए हुकूमती अराकीन के नाम फाइनल। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो, सैनेट से इरफान सिद्दीक की नामजद कर दिए गए हैं। जुडिशियल कमीशन के लिए पीटीआई की जानिब से भी दो नामों की मंजूरी दी गई है। बानी पीटीआई ने जुडिशियल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सैनेट से शिबली फराज के नामों की मंजूरी दी है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जुडिशियल कमीशन के लिए हुकूमती अरकान के नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सैनेट से इरफान सिद्दीकी के नाम जो है वो दिए गए हैं। जुडिशियल कमीशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दो नामों की जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से मंजूरी दी गई है। बानी पीटीआई ने जुडिशियल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सैनेट से शिबली फराज के नामों की मंजूरी दी है। 13 रुकनी जुडिशियल कमीशन में दो हुकूमती और दो अपोजिशन अराकीन जो है वो शामिल होंगे। वजीर आजम ने 26वीं आईनी तरामीम के तहत जो है वो जुडिशियल कमीशन की तश्कील नो के लिए नाम मांगे थे और ये चारों नाम जो हैं दो हुकूमती और दो अपोजिशन की जानिब से चारों नाम जो है और अब नाम ये फाइनल हो चुके हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी फोर्सेज का योब के इलाके में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। आईएसपी की जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पर अज़्म है। स्मॉग से निजात, लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हॉटस्पॉट एरियाज में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स और चिंगची रिक्शे पर पाबंदी होगी, जबकि ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तजावजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और उन तमाम इलाकों में सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का नफाज करना होगा। इदारे माहौलियात की जानिब से यह कहा गया है। जबकि पंजाब ने हॉटस्पॉट एरिया में ग्रीन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल हैं। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और एबट रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल हैं। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया, क्वीन मैरी रोड और उसके अतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग सियासी नहीं, इंसानी मसला है। सोच रही हूं कि भारतीय पंजाब के वज़ीर-ए-आला को खत लिखूं। स्मॉग के मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की जरूरत है। हवाओं को नहीं पता कि दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते, स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वो लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब कर रही थी। पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इकदाम उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। अगले माली साल में ना सिर्फ हम बेनिफिशरीज़ की तादाद, कार्ड्स की तादाद, फैमिलीज़ की तादाद को बढ़ाएंगे, बल्कि इस 10,500 के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अजीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फर्द से है। जबकि पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजीर आला दिल्ली को खत लिखने की मंजूरी दे दी है। माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए इलाकाई तआवुन और इश्तराक के अमल नागुजीर है। तारीख में पहली बार स्मॉग से पहले वस्त और तवील मुद्दत इकदाम किए गए हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने पहली बार स्मॉग से निजात के लिए 10 साल का मनसूबा दिया। पंजाब असम्बली में माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग से बचाव के हवाले से पॉलिसी खिताब में मजीद कहना था कि मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लाजमी करार दे दी गई है, इसके बगैर कोई भट्टा नहीं चलेगा। पंजाब मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली की गई है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेगा उसकी गाड़ी बंद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर ममलिकत बराए सालसी, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफारती अमले ने उनका इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन 1940 से अब तक पाकिस्तान में आर्ट और आर्किटेक्चर का अफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ जाम कमाल खान, मोहम्मद औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं।
पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम 2.8 अरब डॉलर हो चुका है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वजीर सरमायाकारी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनासिल तय करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि आज हमारा एक और ख्वाब पूरा हो गया। पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत का ये पहला कैंसर हॉस्पिटल है। कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान भर के अवाम का हॉस्पिटल होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरी तरजीह अवाम की खिदमत है। रियासत माँ के जैसी होती है, अपने बच्चों का दुख जानती है। हम बातों की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इतलाअ सिंध शर्जील मेमन की MNA रौना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम की कराची में रिहाइश गाह आमद हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रौना अंसार से उनके बेटे शाहजेब नकवी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने शाहजेब नकवी मरहूम की वालिदा रौना अंसार, भाई शहरयार नकवी और बहन को दिलासा दिया और सब्र जमील की दुआ की। वालिदा राना अंसार अपने बेटे शाहजेब नकवी मरहूम को याद करके आपदीदा हो गईं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की गाड़ी पर हमले का मामला, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सिफारती जराए स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी, ये बताया गया है सिफारती जराए की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की मालूमात देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर सुनवाई हुई। जस्टिस सदर मिनल्लाह का इजाफी नोट जारी, लिखा, अपने भाई काजी फायजीसा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। केस के फैसले में इजाफी राय देना चाहता हूं। मालूमात तक रसाई का हक आईन के आर्टिकल 19 में दिया गया है। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं है।